सिंगरौली का शातिर बदमाश दीपक कुशवाहा वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ा गया। ये बदमाश यातायात के नियमों की धज्जियां उड़ाता घूम रहा था। इस पर पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। कोतवाली पुलिस के सघन वाहन चेकिंग के दौरान थाना नवानगर का शातिर बदमाश दीपक कुशवाहा बुलेट के साथ पकड़ा गया। कोतवाली प्रभारी सुधेश तिवारी ने बताया कि आरोपी पर शराब पीकर वाहन चलाने, मौके पर वाहन के वैध दस्तावेज ना दिखाना, नंबर प्लेट मानकों के अनुरूप ना पाया जाना, अत्यधिक गति से वाहन चलाकर आम जनता के जीवन में संकट उत्पन्न करना, वाहन के साइलेंसर से अत्यधिक आवाज करके वाहन के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ करना सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर वाहन जब्त कर लिया गया है। आरोपी पर थाना नवानगर में करीब एक दर्जन से अधिक प्रकरण दर्ज हैं। आरोपी बदमाश ने इसी बुलेट से 25 जनवरी 2023 को एक दुर्घटना को अंजाम दिया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। दीपक कुशवाहा नामक व्यक्ति हमको जो है एक वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ा गया। इसकी एक तो मोटरसाइकिल पर साइलेंसर जो था वो बड़ी आवाज़ कर रहा था, जिससे कि लोगों को, वृद्धों को, विशेषकर महिलाओं को, बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। विशेष प्रकार की आवाज़ निकालती थी उससे। तो हमने पकड़ा तो उसने पता चला कि उस पर करीब एक दर्जन अपराध है नवानगर थाने में, और कुछ जिला बदर वगैरह की कार्रवाई शायद उस पर हुई है। और इस कारण से हम लोगों ने उसको पकड़ा। उसकी गाड़ी के कागजात चेक किए तो गाड़ी के कागजात भी नहीं मिले उसमें, और बड़ी तेज राइडिंग कर रहा था वो, तो उसके लोगों का के जीवन पर भी खतरा हो सकता था। और इस प्रकार के करीब कई 3-4-5 धाराओं में हम लोगों ने चालान किया। उसके अलावा 185 जो कि शराब पीकर वाहन चलाने वाले, उसकी कार्रवाई भी की। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन MP टू बी NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, unlocking potential. आप देख रहे हैं दखल न्यूज।